हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्वेस्ट हरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि सेंट्रल इंडिया में एक मछली बहुत ज़्यादा आजकल फेमस हो रही है, वो है आपकी रूपचंदा मछली, जिसको हम लोग इंग्लिश में पाकू बोलते हैं, है ना। ये मछली एक्चुअल में अगर इसके दांत को अगर आप देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि जो आदमी और इस मछली का दांत है आपको सिमिलर दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा। साथ ही साथ इस मछली की कुछ खासियत है जिस वजह से अभी ये मछली बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि इस मछली का अभी डिमांड है वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत आपको दिखाई देगा। और इस मछली की खासियत है कि ये मछली एक हार्डी मछली है। हार्डी मछली मतलब इसको वाटर पैरामीटर्स के ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस मछली को आप कुछ भी खाना खिला सकते हो, अगर आपके पास फार्म मेड फीड है वो भी खिलाइए, अगर आप कंपनी वाला खाना खिलाते हैं वो भी खिलाइए, अगर आप पोल्ट्री का जो वेस्टेज होता है उस पर भी आप इस मछली का पालन कर सकते हैं। इस वजह से इस मछली को पालन करना बहुत ही आसान है। लेकिन इस मछली की एक खामी है कि ये मछली दूसरे मछलियों के ऊपर अटैक करती है और उसको खा जाती है। इसी वजह से इस मछली को हम लोग सिंगल स्पीसीज मोनोकल्चर में ही इस मछली का पालन करते हैं। और जब बात करें कि कितने बड़े तालाब में आप रूपचंदा मछली का फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो मिनिमम आपके पास अगर 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है 100x100 का, उसमें आप इस मछली को पालन करना वो शुरू कर सकते हैं, है ना। बात करें तालाब की तैयारी की, तो जब भी आप रूपचंदा मछली पालिए तो आपको अपने तालाब में फर्मेंटेशन ज़रूर आप स्टार्टिंग में करिए। बाद में मछली डालने के बाद आपको फर्मेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम लोग खाना डालते हैं उससे जो बचा खुचा खाना है वो इसके लिए सड़ करके प्लैंकटन बनाने में मदद करती है। और इस मछली की ये खासियत है कि अगर आप इस मछली को नॉर्मल कुछ भी घर का खाना खिलाइए, फल फ्रूट भी अगर खिलाते हैं, केला खिला के काट के खिलाएंगे तब भी ये खाएगी, कुछ भी प्रकार का फ्रूट डालेंगे तो भी ये मछली खाएगी। इसी वजह से इस मछली की हम लोग स्टॉकिंग डेंसिटी, हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में इसका पालन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कार्निवोरस मछली है, मांसाहारी मछली है, सर्वाहारी मछली है, मतलब ये फल भी खाएगी, मांस भी खाएगी, पोल्ट्री का वेस्टेज भी खाएगी, फार्म मेड भी खाएगी। तो आपके पास जो भी ऑप्शन है उस पर इस मछली का पालन करिए। बात करें पर एकड़ कितने मछली स्टॉक करना चाहिए, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पर एकड़ आप अगर 5 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में बच्चे डाल रहे हैं इतने भार के, तो आपको पर एकड़ 7,500 से 8,000 के बीच में आप रूपचंदा मछली को अपने तालाब में डालिए। अगर बात करें यार कि फीडिंग क्या कराएं, फीडिंग के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप कंपनी वाली फ्लोटिंग फीड खिलाइए, जिसमें प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो 32% का होना चाहिए। क्योंकि ये मछली कार्निवोरस मछली है, इसलिए आप जो मांगुर मछली को जो दाना खिलाते हो उसी दाने को अगर आप रूपचंदा मछली को भी खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसको आपको एनिमल बेस्ड प्रोटीन खिलानी पड़ती है। क्योंकि देखिए, एनिमल बेस्ड प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन में अंतर होता है। IMC मछली को हम लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन वाले फीड अगर खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगी, लेकिन वहीं आपकी कार्निवोरस मछली है, चाहे वो पंगास हो गया, चाहे आपकी मांगुर हो गया, सिंगी हो गया, उसी प्रकार का अगर कंपनी वाला खाना अगर आप रूपचंदा मछली को भी खिलाएंगे तो उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगी। तो मैं यही सलाह दूंगा कि सबसे पहला प्रेफरेंस आप कंपनी वाले फिट करिए, दूसरा प्रेफरेंस आप अगर आपके आसपास पोल्ट्री खाना होगा, वहाँ पर मुर्गी वगैरह कटता होगा तो उसका जो इंटेस्टाइन है उसको भी आप चॉप्ड करके इन मछली को तालाब में सीधा डाल दीजिए, साफ सफाई करके ये मछली पूरा चट कर जाएगी। इसको अलग से आपको पकाने वकाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इंटेस्टाइन लाइए, उसको धोइए, उसको कीमा मशीन में डालिए और सीधा अपने तालाब में छोड़ दीजिए, सभी को ये चट कर जाएगी। दूसरा, अगर आप फार्म पर ही इस मछली का खाना तैयार करना चाहेंगे तो खली और राइस ब्रैन और थोड़ी मात्रा में आप विटामिन मिनरल मिक्सर और उसमें थोड़ी मात्रा में फ़िश मील या फिर फ़िश ऑयल आप उस अपने खाने में ज़रूर मिलाइए, क्योंकि उससे जो एनिमल प्रोटीन है आपके खाने में जाएगी और वो रूपचंदा मछली के ग्रोथ को बहुत ही अच्छे प्रकार से प्रमोट करती है। तो आप प्लांट बेस्ड खाने के साथ आप एनिमल बेस्ड फिश मील या फिर फिश ऑयल, कोई भी जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हो उसको आप अपने खाने में ज़रूर ऐड करिए।
और ये मछली दोस्तों आपके 6 से 8 महीने के बीच में 800 ग्राम से 1 किलो साइज तक पहुंच जाती है। इस वजह से इसको ज़्यादा लंबे समय तक आपको पालन नहीं करना पड़ता, बहुत ही जल्दी आप इन मछली को आसानी से अपने तालाब से हार्वेस्ट कर लेते हैं। बीमारी वगैरह इस मछली में बहुत ही कम लगती है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो महीने में एक बार नमक डालिए अपने तालाब में, पर एकड़ लगभग 20 किलो नमक डाल दीजिए और समय समय पर उसमें चूना का छिड़काई करिए, पर एकड़ कम से कम 30 किलो चूना महीने में एक बार डाल दीजिए। और समय समय पर लाल दवा जो आता है, क्योंकि इस मछली में एक बीमारी है वो ज़्यादा लगती है, वो है इसका अल्सर। आपको रेड रेड चकत्ते दिखाई देंगे इस मछली के शरीर में, कभी कभी बीमारी जब फैलती है तो उसके कंट्रोल के लिए आप समय पर सिफाक्स या फिर लाल दवा का एक बार आप अपने महीने में एक बार कम से कम आप अपने तालाब में ज़रूर डालिए। चाहेंगे तो आप अमोनिया कंट्रोल के लिए जियोलाइट डाल सकते हैं। और ठंड में खासकर इस मछली का ग्रोथ थोड़ा कम होता है, तो मैं ये सलाह देता हूँ कि किसान भाइयों को कि ठंड के ख़त्म होते ही गर्मी में इस मछली को डालिए, और उस गर्मी के 4 महीने में इस मछली को आप अच्छा खाना खिला करके 800 ग्राम से 1 किलो साइज तक पहुँचा करके इसको हार्वेस्ट करिए। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप कम समय में कमा सकते हैं, क्योंकि इस मछली का ग्रोथ परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपके एरिया में इस मछली का मार्केट डिमांड अच्छा है तो डेफिनेटली आप 1 किलो मछली के पीछे लगभग आपको 60 रुपये से 80 रुपये के बीच में आपको प्रॉफिट मिल जाता है। और इसी वजह से अगर आप इसको हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में पालन करते हैं तो छोटे एरिया में भी ज़्यादा उत्पादन लेकर के आप ज़्यादा पैसे कमा पाते हो। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैनेजमेंट में ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, जितना आपके पंगास तिलापिया सिंघी मांगुर मछलियों के मैनेजमेंट में थोड़ा अपने को एफर्ट डालना पड़ता है। लेकिन आप सिंगल मोनोकल्चर जब हम लोग करते हैं पाकू मछली का, जिसको पाकू रूपचंदा मछली, एक्चुअल में रूपचंदा नाम ना आपके वेस्ट बंगाल से आया है और पाकू ये इंग्लिश नाम है इस मछली का, है ना। तो दोस्तों रूपचंदा मछली फार्मिंग बहुत ही आसान है, आपको इसमें वाटर पैरामीटर्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। आप DO कितना भी रखिए, pH कितना भी रखिए, आपके अमोनिया कितना भी रखिए, लेकिन आपको समय समय पर अपने वाटर पैरामीटर्स को अगर आप टेस्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा उसमें दिक्कतें नहीं आती। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब वाटर पैरामीटर्स को हम लोग बहुत दिनों तक ध्यान नहीं देते ना, तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है और वहाँ पर आपको अपने वाटर पैरामीटर्स को संभालने में थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। तो मैं यही सलाह देता हूँ सभी किसान भाइयों की कि अपने वाटर पैरामीटर्स को अप टू डेट रखिए, मछली को सही समय पर 2 से 3 टाइम खाना खिलाइए और उसके फीड चार्ट को फॉलो करिए। आपको ज़्यादा दिक्कत मछली पालन में कभी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने मछली पालन में पानी को पालना सीख लिया, मतलब आप मछली को पालना सीख जाएंगे। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से रूपचंदा मछली को आप किसी भी समस्या से हट करके आप आसानी से पालन कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी प्रकार से आपके लिए और वीडियो मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले अपने किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।